फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 का सीजन अब जल्दी शुरू होने वाला है। आईपीएल शुरू होने में अब केवल 8 दिन का समय बचा है। इसी वजह से आईपीएल को लेकर लगातार बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर कुल 7 बड़ी खबरें, 7 बड़े अपडेट्स निकल कर आए हैं। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि आखिर आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर आज कौन से 7 बड़े अपडेट्स निकल कर आए हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हो कि आप इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा माई 11 सर्कल के बारे में। एक बहुत ही बेहतरीन फैंटेसी ऐप है जिसके अंदर बड़े दिग्गज सौरभ गांगुली, शेन वॉटसन और राशिद खान भी हैं। इसका गेम प्ले काफी ज्यादा इजी है। इसके अंदर आपको अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 बनानी होती है दोनों ही टीमों में से। अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज चल रही है जहां अगर आपकी टीम इन तीनों ही चैंपियन की टीम को बीट कर देती है तो आपको विनिंग का 2 गुना ज्यादा कैश मिल जाएगा, सीधा अकाउंट में चला जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक रमी सर्कल का भी बटन है जो आपको बोर नहीं होने देगा और उसके अंदर आप हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। आपको पहले डिपॉजिट पर यहां 1500 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा और हमारे सब्सक्राइबर के लिए स्पेशल 20% कैशबैक है। तो नीचे दिए गए लिंक से आप जरूर डाउनलोड करें, लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर जो आज 7 बड़ी खबरें निकल कर आई है, इनमें जो सबसे पहली बड़ी खबर है वो है ऑस्ट्रेलियन पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेटली की तरफ से। दरअसल कल ब्रेटली ने आईपीएल 2020 के सीजन पर एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। जब इनसे पूछा गया था कि कौन सी टीम आईपीएल 2020 का सीजन जीत सकती है, यानी कौन सी टीम आईपीएल 2020 के सीजन में चैंपियन बनेगी, तो इन्होंने यहां पर सीएसके की टीम का नाम बताया है। ना सिर्फ ब्रेटली ने बल्कि ऑस्ट्रेलियन स्पिन गेंदबाज ब्रेड होग ने भी यहां पर सीएसके की टीम का नाम बताया है। इसके साथ ही ब्रेड होग ने बताया कि इस आईपीएल सीजन में पॉइंट्स टेबल में पंजाब की टीम 8वें नंबर पर रहेगी। यानी यहां पर काफी अधिक क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस आईपीएल सीजन में सीएसके की टीम आईपीएल की चैंपियन बनेगी, आईपीएल 2020 का सीजन जीतेगी। वैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम आईपीएल 2020 का सीजन जीतेगी। इसके साथ ही कौन सी आईपीएल टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पर रहेगी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आई है वो आई है वीरेंद्र सहवाग की तरफ से। दरअसल वीरेंद्र सहवाग अब आईपीएल 2020 के सीजन में आने वाले हैं। दरअसल रिपोर्ट ऐसी निकल कर आई है कि आरसीबी की टीम ने इनके साथ कॉन्टेक्ट किया था। आरसीबी की टीम इनको अपनी टीम का मेंटोर बनाना चाहती है, जहां पर 2 साल पहले ये पंजाब की टीम के मेंटोर रहे थे। लेकिन पंजाब की टीम के ओनर्स के साथ विवाद होने के बाद इन्होंने पंजाब की टीम को छोड़ दिया था। उसके बाद ही हमें कमेंट्री बॉक्स में नजर आते थे। लेकिन इस आईपीएल सीजन के लिए आरसीबी की टीम ने इन्हें कॉन्टेक्ट किया था, आरसीबी की टीम ने इनके साथ कॉन्टेक्ट किया था। हालांकि वीरेंद्र सहवाग ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है, पर ऐसी रिपोर्ट निकल रही है कि शायद वीरेंद्र सहवाग इस साल इस टीम के साथ वर्क ना करे और जो 6 महीने बाद आईपीएल 2021 का सीजन होगा उसमें ये आरसीबी की टीम के मेंटोर बन जाएंगे और आरसीबी की टीम के साथ हमें वर्क करते हुए दिख सकते हैं। वैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या वीरेंद्र सहवाग को आरसीबी की टीम में जाना चाहिए या फिर नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आई है वह ये केकेआर की तरफ से। दरअसल आपने देखा होगा इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स, एमआई और सीएसके की टीम ने अपनी बसेस लॉन्च कर दी थी और अब केकेआर की टीम ने भी अपनी ट्रेवल बस रिवील कर दी है। आप स्क्रीन पर फोटोज और वीडियोस देख पा रहे होंगे। कल इस टीम ने अपनी ऑफिशियली बस रिवील कर दी है। इसी बस से ये टीम अबू धाबी और दुबई के बीच का ट्रेवल डिस्टेंस कवर करेगी और आईपीएल 2020 के सीजन में इसी बस का ये टीम यूज करेगी। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग अब तक सभी टीमों की बस में से कौन सी टीम की बस आपको सबसे अच्छी लगी है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आई है वो आई है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को लेकर। दरअसल लगातार ये सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स कितने मैचेस मिस करेंगे, इनका क्या क्वारंटाइन पीरियड रहेगा। जहां पर एक समय में तो ये खबर थी कि शुरुआती 2 से 3 मैचेस ये प्लेयर मिस करते हुए दिखेंगे, पर कल बीसीसीआई की तरफ से इन पर कंफर्मेशन लग चुकी है कि अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स एक भी आईपीएल का मैच मिस नहीं करेंगे। दरअसल अभी जो करंटली इनकी सीरीज चल रही है,
अभी ये फिलहाल बायोसिक्योर बबल में, और जब ये सीरीज समाप्त होगी तो डायरेक्टली ये बायोसिक्योर बबल से आईपीएल के बायोसिक्योर बबल में एंटर हो जाएंगे, यानी इनको क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल इनकी दो बार टेस्टिंग होगी और टेस्टिंग में नेगेटिव पाए जाने के बाद ही आईपीएल के पहले ही मैच से अवेलेबल हो जाएंगे। यानी जो एमआई और सीएसके के बीच पहला आईपीएल का मैच होगा उसमें हमें सीएसके की तरफ से सैम करन और जोश हेजलवुड दोनों ही खेलते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल ये सीएसके की टीम के लिए राजस्थान रॉयल्स, इसके साथ ही केकेआर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। इन सभी टीमों के पास ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दो से अधिक प्लेयर्स हैं, तो इन टीमों के सभी प्लेयर्स आईपीएल के पहले मैच से ही अवेलेबल रहेंगे। वैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स का पहले मैच से अवेलेबल रहने के कारण कौन सी टीमों को सबसे अधिक फायदा होगा, आपके अकॉर्डिंग इन सभी टीमों में से कौन सी टीमों को सबसे अधिक बेनिफिट होने वाला है। इसके साथ ही जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आई है वह ये रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस की तरफ से। दरअसल आप स्क्रीन पर एक फोटो या फिर वीडियो देख पा रहे होंगे जो कि एमआई के प्रैक्टिस सेशन की, एमआई के वार्म अप मैच की है। दरअसल एमआई की टीम का जो प्रैक्टिस सेशन था, जो वार्म अप मैच था, उसमें रोहित शर्मा ने जो छक्का मारा है वो स्टेडियम को पार करके डायरेक्ट बस से बॉल टकराई है, और रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस मैच में एक शतक भी मारा है। आप स्क्रीन पर वो वीडियो देख पा रहे होंगे। तो ओवरऑल ये आईपीएल से पहले एमआई की टीम के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहां पर रोहित शर्मा लगभग 8 से 10 महीने बाद दोबारा से हमें स्टेडियम में क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे, और यहां पर रोहित शर्मा का फॉर्म एमआई की टीम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, और एमआई की टीम चाहेगी कि रोहित शर्मा आईपीएल 2020 के सीजन में अच्छा प्रदर्शन करे। फिलहाल नेट में इनका काफी अच्छा फॉर्म हमें दिख रहा है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग रोहित शर्मा का कैसा प्रदर्शन आईपीएल 2020 के सीजन में रहेगा और कितने रन इस आईपीएल सीजन में बनाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही जो छठी बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये पाकिस्तानी कमेंटेटर रमीज राजा की तरफ से। दरअसल रमीज राजा ने एमआई की टीम को लेकर एक काफी बड़ा बयान दिया है, हालांकि एमआई के फैंस ये बयान सुनना नहीं चाहेंगे। दरअसल रमीज राजा ने यहां पर स्टेटमेंट देते हुए बताया है कि जो आईपीएल 2020 का सीजन दुबई में होगा, यूएई में होगा, उसमें एमआई की टीम के दो विस्फोटक प्लेयर यानी कायरन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से फ्लॉप रहेंगे। जिस तरीके का प्रदर्शन इन दोनों ही बल्लेबाजों और ऑलराउंडर का पिछले साल भारत में रहा था वैसा दुबई में नहीं रहने वाला है। इन्होंने ये क्लियरली बता दिया कि ये पूरी तरीके से फ्लॉप रहेंगे, एमआई की टीम को काफी अधिक नुकसान होगा। हालांकि इससे पहले जो 2014 में दुबई में जो आईपीएल का सीजन हुआ था उसमें एमआई की टीम के लिए कायरन पोलार्ड ने सबसे अधिक रन बनाए थे, लेकिन यहां पर रमीज राजा ने स्टेटमेंट दिया है कि दुबई में दोनों ही प्लेयर पूरी तरीके से फ्लॉप होंगे। आप कमेंट करके बताइए क्या सचमुच ये दोनों प्लेयर दुबई जैसी कंडीशन में फ्लॉप होंगे या फिर नहीं, आपके अकॉर्डिंग कैसा प्रदर्शन इन दोनों प्लेयर्स का रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही जो सातवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये यहां पर केकेआर की टीम के हेड कोच ब्रेंडन मैकेलम की तरफ से। दरअसल लगातार खबरें निकल कर आ रही है कि केकेआर की टीम में कप्तान को लेकर रसल, इसके साथ ही दिनेश कार्तिक के बीच लंबे समय से विवाद है। इससे पहले रोबिन उतप्पा और कार्तिक के बीच भी एक विवाद था, इसी वजह से इस टीम ने रोबिन उतप्पा को अपनी टीम से बाहर निकाल दिया था। इवन इस टीम के उस समय के हेड कोच साइमन केटिच को भी इस टीम ने बाहर निकाल दिया था, पर अब ब्रेंडन मैकेलम ने ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि आज की स्थिति में इस टीम में कप्तान को लेकर कोई भी विवाद नहीं है, ये टीम एकजुट होकर आईपीएल 2020 का सीजन खेलेगी, बिना किसी विवाद के ये टीम पूरा आईपीएल सीजन खेलेगी। और फिलहाल दिनेश कार्तिक की कप्तानी को लेकर ओयन मॉर्गन और आंद्रे रसल कुछ है वो दोनों ही दिनेश कार्तिक की कप्तानी में आईपीएल 2020 का सीजन खेलना चाहते हैं। वैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या सचमुच केकेआर की टीम को आईपीएल 2020 के सीजन में अपना कप्तान बदलना चाहिए, और अगर कप्तान बदलना चाहिए तो किसे नया कप्तान बनाना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।